नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष बुधवार सप्तमी तिथि सुबह 11:15 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज दिन भर शाम 8:30 बजे तक शतभिषा नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे, जिनके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र है, जिसकी चर्चा हम पिछले दिन में कर चुके हैं, फिर भी आज शतभिषा नक्षत्र के संदर्भ में बताते हैं। ऐसे जातक अस्पष्ट वाणी बोलने वाले, साहसी, बहुत ही मुश्किल से नियंत्रित होने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ललित कलाओं में विशेष रुचि होती है। किसी विषय का उल्लेख करना, अपने शब्दों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना और अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता वाले होते हैं, मगर वैवाहिक सुख विलंब से मिलने की संभावना बनी रहती है। यदि राहु की स्थिति अनुकूल रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे और चारों ओर प्रसिद्धि फैलेगी। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी मन में असंतुष्टि की भावना और भ्रमात्मक स्थिति का होना संभावित है। हालांकि पारिवारिक प्रेरणा और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आय संबंधी मामलों में सहयोग जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीतिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर व्यावसायिक योजनाओं में उतार चढ़ाव संभावित है। साझेदारी सफल रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। बुधादित्य योग आपके 12वें भाव में बन रहा है, साथ ही सूर्य और बुध की युति एक ही अंश में कायम है। खास तौर से त्वचा संबंधी संवेदनशीलता संभावित है। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता और पारिवारिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी में लाभ संभव है, मगर कुछ कामों में रुकावट व देरी की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता, आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव और पारिवारिक माहौल से मानसिक दबाव की संभावना बनती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सफलता का दौर जारी रहेगा और शासन सत्ता व अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। निजी निवेश में अतिरिक्त खर्च और यात्रा प्रधान मानसिकता बनी रहेगी। विरोधियों की साजिश से मानसिक दबाव और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों की प्रोन्नति संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। साझेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति और कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। आलस्य की मात्रा या विरोध की संभावना भी बनती है। हालांकि सक्रियता और रचनात्मक प्रयास में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और कार्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी, मगर नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। सरकारी कामकाज में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है और संबंधित कामों में आपकी व्यस्तता सफल रहेगी। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है और साझेदारी के मामले लाभदायक होंगे। मन की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रयास जारी रखें। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।